खबर दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी की हरियाणा को लेकर प्रेस वार्ता। हरियाणा में होगा आपके संगठन महामंत्री का दौरा। इसके साथ ही 3 दिन के हरियाणा दौरे पर रहेंगे संदीप पाठक। 16, 17, 18 अक्टूबर को लोकसभा क्षेत्रों में बैठक करेंगे संदीप पाठक। आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने इस बात की जानकारी दी है। आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने भी सरकार को घेरा है। अनुराग ढांडा ने सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, आम आदमी पार्टी की हरियाणा को लेकर प्रेस वार्ता हुई और इसमें हरियाणा में आपके संगठन महामंत्री का दौरा होगा। 3 दिन के हरियाणा दौरे पर रहेंगे संदीप पाठक। इस बात की जानकारी जो है वो दी गई है। परिवार जोड़ अभियान के समीक्षा करने के लिए, लोकसभा चुनाव पे चर्चा करने के लिए, संगठन के निर्माण पे चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक जी 3 दिन के हरियाणा के प्रवास पे अलग अलग लोकसभाओं की मीटिंग लेने के लिए जा रहे हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी ने जो शुरू की है, जो व्यवस्था परिवर्तन दिल्ली के अंदर की है, जो व्यवस्था परिवर्तन पंजाब के अंदर हो रही है, हरियाणा के अंदर उस व्यवस्था परिवर्तन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अगर धान की खरीद भी अगर देखें मंडियों में क्या व्यवस्था है, कृषि मंत्री मंडी के दरवाजे से वापस लौट के चले जाते हैं क्योंकि अंदर धान भरा पड़ा है, उसका उठान ही नहीं हो रहा है। तो उनको लगा किसानों को सुनना पड़ेगा किसानों से बहुत ज्यादा, तो मंडी के गेट से लौट के आ गए। जब फसल कट रही है उस वक्त आप पराली में कोई सहयोग नहीं कर रहे, फसल बिक रही है उस वक्त मंडियों में कोई सहयोग नहीं मिल रहा, और जब फसल कटने के बाद जब अगली फसल की तैयारी किसान करना शुरू हो गया है तो पूरे हरियाणा के अंदर डीएपी को लेकर इस वक्त जबरदस्त लाइनें लगी हुई है। डीएपी सेंटर्स पे कहीं पे भी डीएपी उपलब्ध नहीं है, तो यह ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसमें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ साजिश करके